एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपरी। सो आज की वीडियो भी एक अलग से प्रोडक्ट के ऊपर होने वाली है, जो कि है मैग्नेटिक आई लैशेज। सो मुझे आई लैशेज लगाना नहीं आता है, सो मैंने सोचा कि मैग्नेटिक आई लैशेज ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि वो एक आई लाइनर लगाना है, उसका जो भी मैग्नेट होगा उसमें, एंड आई लैश को इसे जस्ट प्लेस करना है एंड वो आपकी आई लैशेज लग जाएंगी। सो ईजी लग रहा है मेथड मुझे, सो मुझे लगा कि एक बार ही ट्राई करना चाहिए। अभी तक मैंने उसे ओपन नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। ओपन तो करके देख लिया था, यूज़ नहीं किया है अभी तक। सो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये रिव्यू शेयर करना चाहिए कि एक्चुअल में ये मैग्नेटिक आई लैशेज मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको यूज़ नहीं करने आते हैं, आई लैशेज लगाना नहीं आता है, उनके लिए ये यूज़फुल है या नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो और देखते हैं आई लैश। सो ये है वो पैकेट, मैंने ये आई लैशेज अमेजोन से मंगवाए हैं एंड ये इसकी पैकेजिंग है। सो इसमें आपको 3 आई लैशेज मिल रही हैं एंड 3 सेट ऑफ आई लैशेज एंड 1 लिक्विड जो ग्लू है आई लैशेज की वो एंड 1 एप्लीकेटर मिल रहा है इसके। सो ये है इसकी पैकेजिंग एंड इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इसमें बोला है कि जो आई लैश ग्लू है उसको अच्छे से शेक करके उसको यूज़ करना है एंड जो स्टेप 2 है वो जो आप आईलाइनर जो अप्लाई करोगे ग्लू का उसको आप 2-3 टाइम्स उसको यूज़ करना है ताकि वो थिक लेयर बन जाए उसकी एंड उसको उसके बाद 1 मिनट वेट भी करना है एंड उसके बाद जेंटली उसको आईलैश को उस पर प्लेस कर देना है एंड वो इजीली आपके आईलैश लग जाएगा। सो देखते हैं जितना इजी इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल में वो इतना इजी है लगाना या नहीं, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी आईलैश लगाने नहीं आते बिल्कुल भी। देखते हैं। सो इसके साथ ही एप्लीकेटर है, ये है इसका ग्लू एंड मैं सोच रही हूँ सबसे लाइट वाले ही आईलैशेस ट्राई करके देखूँ ये वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ओके, सो जैसे कि आप डिफरेंस देख सकते हो, ये बहुत इजी है अप्लाई करना, बहुत इजी। आपको सिर्फ लिक्विड आईलाइनर लगाना आना चाहिए वो उसको इजीली। मेरा तो थोड़ा मेस हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ ये, जिसको आईलैशेस लगाने आते हैं वो तो चलो लगा ही लेंगे। थिंक आपको दिख रहा होगा क्योंकि मुझे तो, मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये अप्लाई किया है आईलैशेस, सो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट मेरे से गलती हो गई है। मुझे ना थोड़ा सा इस साइड को रखना था एंड मैंने इस साइड को ज़्यादा कर दिया है, तो ये वाली साइड थोड़ी सी मेरी खाली रह गई है और इधर मुझे ज़्यादा थोड़ा सा मतलब लग रहा है यहाँ पे ना कॉर्नर में। सो बहुत ईजी है अप्लाई करना, मैंने अप्लाई कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अप्लाई कर लिया इसको, पर थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया है, बट बहुत इजी है यार ये तो। सिर्फ लिक्विड आईलाइनर आपको लगाना आना चाहिए और वो उसकी भी थिक लेयर आप अगर बना लोगे तो बहुत इजी। मैंने हैंड से ही अपने प्लेस किया था इसको, बहुत इजीली ये लग गया एंड आई एम शॉक्ड। मुझे सच में आईलैशेस लगाना नहीं आता है, सो ये तो बहुत इजीली लग गया है, बहुत ही इजीली। तो अब मुझे लगता है कि मैं भी ट्राई कर सकती हूँ ये। तो इसमें मैंने एक ही आई पे अप्लाई किया है, सो इसमें 3 पेयर आपको मिलते हैं। सो मैंने ये वाला यूज़ किया था और इसके आपको यहाँ पर मैग्नेट मिल रहा है एंड जो यहाँ पर छोटे छोटे मैग्नेट यहाँ पर भी हैं, जिसे आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये देखो छोटे छोटे ना मैग्नेट्स हैं इसके। ये बहुत इजीली और बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है, ये वाली तो बिल्कुल नेचुरली लग रही है जो मैंने बिल्कुल ही लाइट वाली यूज़ की थी ना।
सो थ्री पेयर इसके मिल रहे हैं आपको, एप्लीकेटर मिल रहा है, बट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मुझे पता नहीं था एप्लीकेटर से भी होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने हैंड्स को ही यूज़ किया। एंड एक इसके साथ लिक्विड ग्लू मिल रहा है, सो मुझे तो ये इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा है एंड बहुत ईजीली अप्लाई हो गया है। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसको 1 मिनट इन्होंने आईलाइनर लगाने के बाद इसको रखने के लिए बोला था और मैंने इसको 1 मिनट से कम रखा, सो मेरे ना हैंड्स पे लग गया ये, जब मैं अप्लाई कर रही थी तो उसको सेट करने लगी ना तो मेरे हैंड्स पे लग गया। तो इसको एटलीस्ट 1 मिनट आप रखो एंड देन आईलैशेस को अप्लाई कर दो एंड यू आर गुड टू गो। सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से अप्लाई होगा, मैं तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं क्या सोच रही हूँ कि एक मैं ये हैवी वाली भी अप्लाई करके देखती हूँ, ये वाली या फिर ये वाली, इन दोनों में से भी कोई अप्लाई करके देखती हूँ ताकि हमें और थोड़ा मतलब आइडिया मिल जाए कि ये कैसे लगते हैं। ये मैंने हैवी वाला अप्लाई किया है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरे आईज़ पे ना थोड़ा स्वेटिंग हो रही है, तो ये बहुत मतलब यहाँ से ना ग्लू इसका मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा है ये कॉर्नर से, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से लग गया है, ये हैवी वाली है। सो मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है, देखो ये कॉर्नर से नहीं ये लग रही है क्योंकि ना इसका ग्लू हट गया है, मुझे स्वेटिंग हो रहा था एंड ये हट गया, अदरवाइज ये बहुत अच्छी है, बहुत इजी अप्लाई करने के लिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बहुत हैवी हैवी कुछ मैंने आईज़ पे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही हैवी कुछ किया है मैंने आईज पे। सो मैं इसको रिमूव कर दूंगी, ये इसके ना मैग्नेट लगा हुआ है। MRP है वो 969 रुपीज़ है, अराउंड 1000 रुपीज़, बट Amazon से मैंने इसको आई थिंक 650 के अराउंड मंगवाया था, सो वहाँ पे ऑफ आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है एंड ये कुछ भी मेंशन नहीं है, बस एक ये कोड मेंशन है यहाँ पर CY104 एक कोड मेंशन है एंड और कुछ भी नहीं है। सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, सो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी जिसको आईलैशेस लगाने नहीं आते हैं, मतलब जो मेरे जैसा बंदा है जिसको नहीं मतलब मेकअप और आईलैशेस ज़्यादा नहीं वो अप्लाई करना आता है, तो आप ये चीज़ें यूज़ करो क्योंकि ये बहुत इजी है, हम लोगों के लिए ही बनी है ये जिनको यूज़ नहीं करना आता है। तो और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है आपको, ये नहीं है कि बहुत ही जाली सा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है आपको, जैसे ये तो मेरा बिल्कुल नेचुरली लग रहा है जैसे आप देख सकते हो ना, देखो बिल्कुल। तो फिर आज का वीडियो जो कि था मैग्नेटिक आईलैशेस के ऊपर, जो कि 3 पेयर आपको आईलैशेस मिलता है एंड 1 ग्लू एंड 1 एप्लीकेटर मिलता है आपको इसके साथ, एंड ये अमेजोन से मैंने मंगवाया था, अमेजोन से मुझे ये 600 और 650 के अराउंड मिला था और इसकी MRP कुछ 969 रुपीज़ है, इसकी MRP 969 रुपीज़ है एंड जो मैंने इसको मंगवाया था 650 के अराउंड था। सो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इजी टू यूज़ है एंड नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा फेक नहीं लग रहा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर ज़रूर इसको ट्राई करो, जिसको आईलैशेस लगाना अच्छा लगता है बट लगाना नहीं आता है उसके लिए बहुत ईजी है एंड जिनको लगाना आता है उसके लिए तो है ही ईजी, और इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए इस प्रोडक्ट। मेरा छोटा सा वीडियो जो कि था आईलैशेस के ऊपर, मैग्नेटिक आईलैशेस के ऊपर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, एंड अगर और किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, रिव्यू देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो मिलती हूँ अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।